बाद में पटना मेट्रो का आपको खेमनी चक के पास से मैं आपको राइट करके आपको दिखा रहा हूँ। आप देख सकते हैं दोनों तरफ जो पिलर का काम है वो शुरू है और आगे जो है पिलर कैप भी लग चुका है। ये खेमनी चक और भूतनाथ रोड के पहले का जो एरिया है वो मैं आपको दिखा रहा हूँ और इधर दोनों साइड में जो है पिलर का काम जो है शुरू हो चुका है और ऐसा माना जा रहा है कि फर्स्ट फेज में जो पटना मेट्रो है वो जो है यहाँ पर ही शुरू किया जाएगा। ठीक है, पहला फेज का जो मेट्रो है वो भूतनाथ रोड से लेकर के खेमनी चक हो गया, मलाई पकड़ी हो गया, इन सब एरियों में जो है इसे पहले शुरू कर दिया जाएगा। और सामने आप देख सकते हैं दोनों तरफ पिलर का जो काम है वो काफ़ी जोरों तोरों से चल रहा है। ये वाला एरिया मैंने आपको पहले वीडियो में नहीं दिखाया था, मैंने आपको भूतनाथ रोड का दिखाया था, लेकिन अब इधर देख सकते हैं इधर स्टेशनों का भी जो है निर्माण जो है काफ़ी तेज गति से चल रहा है। और सामने आप देख सकते हैं यहाँ से जो पटना मेट्रो है वो जो है ऊपर की ओर अप करेगा और अब ऊपर की ओर मतलब कि होते हुए वो जो है सरिस्ताबाद वाले के साइड में जो है उधर जाएगा और इधर आप देख सकते हैं जो भी अभी पिलर का जो काम है वो अभी यहाँ पे चल रहा है। मैं आपको दिखा रहा हूँ दोनों साइड का। इधर देख सकते हैं पिलर कैप जो है पूरी तरह से जो है कम्प्लीट कर लिया गया है और यहाँ पर एक पिलर का काम जो है अभी भी चल रहा है। तो आने वाले समय में जो पटना मेट्रो है वो जो है काफ़ी तेज़ी से, अब सबसे पहला फेज जो है यही भूतनाथ रोड का जो एरिया है वहाँ पे आपको शुरू होगा, मैं आपको दिखा रहा हूँ। और ये पटना मेट्रो के बनने से जो है यहाँ पर जो है काफ़ी ज़्यादा जाम भी लगता है, जो कि आप वीडियो में देख सकते हैं, क्योंकि जो रोड है वो काफ़ी जो है पतला हो गया है। और इधर आप देख सकते हैं पूरी तरह से जो है पिलर कैप का काम जो है वो पूरी तरह से जो है कम्प्लीट कर लिया गया है, क्योंकि लगभग 2026 या 2027 तक जो है पटना मेट्रो को जो है इस फेज को खोल देना है। जी, पहला फेज जो है भूतनाथ रोड से लेकर के जो मलाई पकड़ी और जो आपको मैं ये दिखा रहा हूँ खेमनी चक के पास का एरिया, यहाँ पर इसको जो है शुरू कर देना है। और इधर आप देख सकते हैं इधर जो है अभी पिलर कैप का काम कहीं कहीं पे भी हो चुका है, कहीं कहीं पे भी चल रहा है। सामने आप देख सकते हैं उधर अभी जो है पिलर कैप अभी बनना बाकी है, लेकिन ये भी आने वाले कुछ महीनों में इसको जो है कम्प्लीट कर दिया जाएगा। तो ये एक छोटा सा ब्लॉग हमने आपको दिखाया कि पटना मेट्रो का जो काम है पटना में कितना चल रहा है और इधर अभी जब देख सकते पिलर का काम जो है बाकी है। तो मिलते हैं आपसे और किसी नए ब्लॉग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अपने भाई बहनों का ख्याल रखें और अपने ट्रेवल भी ऐसे ही छोटे बड़े ब्लॉग में आते रहें। जय हिंद।